नमस्कार किसान साथियों, जिन क्षेत्रों में पहले प्री मानसून की बारिश नहीं हो पाई उन किसान भाइयों के लिए आखिरकार एक राहत भरी खबर। 31 जून से फिर से एक बार बारिश का दौर शुरू होगा। ऐसे में जिन किसान भाइयों के यहाँ बिजाई नहीं हो पाई उनको अब मानसून आगमन के साथ ही सावनी बिजाई का मौका मिलेगा। ऐसे में बहुत से किसान भाइयों की फ़ोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि सर बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। तो साथियों आज की इस वीडियो में अपने बात करेंगे बाजरा की वैज्ञानिक खेती कैसे करें जिससे अधिकतम पैदावार ली जा सके। सबसे पहले बात करते हैं बाजरा बिजाई का उन्नत समय कौन सा होता है। दोस्तों जैसे ही बारिश शुरू होती है यानी 15 जून से लेकर 30 जुलाई तक आप बाजरा की बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों अब बिना समय गवाए बात कर लेते हैं टॉप सीक्रेट की, जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जानना चाहते हैं कि हाउ टू गेट मैक्सिमम यील्ड ऑफ पर्ल मिलेट, यानी बाजरा की मैक्सिमम पैदावार कैसे ली जा सकती है। तो यदि किसान भाई सिर्फ बाजरे की खेती न करके अंतर्वर्ती फसलों की बुआई करते हैं यानी कि बाजरा की दो लाइनों के बाद आप दो लाइनें उड़द, मूंग, मोठ या फिर चावला इत्यादि की लगा लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी और बाजरे की भी हाईली यानी जितनी उसकी पैदावार हो सकती है उतनी पैदावार आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और भी है जिससे किसान भाई बाजरा की अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, वो है बाजरा की नर्सरी तैयार करके। जी हाँ, यदि आप बारिश आगमन से पहले ही बाजरा की नर्सरी तैयार कर लेते हैं और बारिश शुरू होते ही आप उसको खेतों में ट्रांसप्लांट यानी पौधारोपण कर देते हैं तो इससे एक तो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी प्रॉपर रखी जा सकती है, दूसरा आप केवल स्वस्थ पौधों को ही अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इससे भी बाजरा की अधिकतम पैदावार ली जा सकती है, हालांकि ये थोड़ा सा मेहनती ज़्यादा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं जो सवाल सबसे ज़्यादा किसान भाइयों ने पूछा है कि बाजरा की खेती में कौन सी खाद डालें। तो इसके लिए आपको प्रति हेक्टेयर में बता रहा हूँ लगभग 40 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया और 2 कट्टे आपको लेने सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP के और 20 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से काम में लेनी है, यानी एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ ज़मीन होगी। और उसके बाद जब आप बाजरा में पहली सिंचाई करते हैं या बरसात हो जाती है तो आपको 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फिर काम में लेनी है। इसके बाद किसान साथियों बात करते हैं बाजरा में खरपतवार नियंत्रण की। यदि आप चाहते हैं कि बाजरा की फसल में घास ही ना उगे तो इसके लिए आपको बिजाई के तुरंत बाद एट्राजीन 1 किलो सक्रिय तत्व बोनी के 3 दिन के भीतर आपको अपने खेत में छिड़काव करना है। किसान साथियों अब बात कर लेते हैं बाजरे की किस्मों का चुनाव कैसे करें, यानी कौन सी वैरायटी आप लगाएं जिससे मैक्सिमम यील्ड आपको मिले। हाइब्रिड किस्मों की बात करें तो पूसा संस्थान के द्वारा निकाली गई वैरायटी है पूसा 322, पूसा 23 और इसके अलावा ICMH 441 है, पाइनियर बाजरा सीड्स हैं तो 86M88, 86M84, इसके अलावा बायर की 9444 है, स्टार एग्री सीड की है स्टार 114, ये कुछ हाइब्रिड किस्में हैं जिनको लगा करके आप अच्छा बाजरा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों उम्मीद करूंगा बाजरा की वैज्ञानिक खेती से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।